हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ जोसना। उड़ीसा किचन जोसना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ उड़ीसा का फेमस लथा की रेसिपी। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को फास्ट लास्ट जरूर देखिए। तो चलिए फिर कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं बहुत सारा वेजिटेबल ले ली हूँ, अच्छे से धो के कट कर ली हूँ इसे लंबे लंबे पीसेस में। बैंगन ली हूँ, खीरा ली हूँ गाइस, मूली, भिंडी और कद्दू ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए अरवा का चावल ली हूँ, एक कप ली हूँ अरवा का चावल। दो घंटा पहले मैं भिगो के रख दी थी। उसके बाद बहुत सारा लहसुन, सूखी मिर्च और एक चम्मच राई डाल देना है और उसका एक पेस्ट बना देना है गाइस। तो देखिए इस तरह का पेस्ट बना ली हूँ मैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा सा बर्तन ले ली हूँ गाइस। देखिए गैस में चला चुकी हूँ। तभी हमें डाल देना है सरसों का ऑयल। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तभी हमें जो कट करके रखे वेजिटेबल्स को डाल देना है। डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है हमें वेजिटेबल को ऑयल में। देखिए अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। इसे मिक्स करके इसे फैला कर रख देना है। देखिए अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए फिर से मैं एक मिनट के बाद फिर से मैं चम्मच चला रही हूँ, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। ऐसे करके फ्राई कर लेना है गैस। यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हमें भूनना है, मतलब फ्राई करना है कलर चेंज होने तक, कच्चापन जाने तक हमें फ्राई करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखिए नमक डाल रही हूँ। क्वांटिटी के अनुसार यहाँ पर नमक लेना है। थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हमें तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक लेना है। उसके बाद यहाँ पर टर्मरिक पाउडर यूज किया हूँ क्वान्टिटी के अनुसार। उसको भी अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए गाइस कितनी अच्छी कलरफुल लग रही है। देखिए अभी थोड़ा सा ढक के पका लेते हैं मिनिमम 2 मिनट के बाद, फिर से हम चेक करेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गई है गाइस, फिर से चेक कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अभी हमें पानी डाल देना है, उसमें बहुत सारा पानी डाल देना है। देखिए पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ मैं। और जो हमने पेस्ट बनाई थी चावल का, उसको भी हम डाल देना है उसमें। देखिए मैं डाल दे रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर दूँगी चम्मच से। देखिए इस तरह से मैं मिक्स कर दे रही हूँ। और थोड़ा सा ढक लेते हैं। फिर से मैं चेक कर रही हूँ। देखिए उबल नहीं आया है। अभी हमें डाल देना है मैंगो, जो ड्राई मैंगो होता है उसको डाल देना है गाइस। यहाँ पर 5-6 ड्राई मैंगो पीसेस कट कर रखे थे उसको डाल दी हूँ। फिर से ढक के पका ली हूँ। देखिए उबल आ चुके हैं गाइस, कितनी अच्छी लग रही है। देखिए लेकिन थोड़ा सा कच्चा लग रहा है जो वेजिटेबल, और भी थोड़ा सा ठीक होगा हमारा ग्रेवी तो। और थोड़ा सा पका लेते हैं। गैस की फ्लेम को भी हमें मीडियम में रख देना है गैस। ये देखिए इस तरह से कितनी अच्छी दिख रही है। देखिए गैस थोड़ा सा थिकनेस हो गई है। और थोड़ा सा हमें पका लेना है। देखिए पक गया है, जितने वेजिटेबल हमने डाले हैं।
रेडी हो चुकी है गाइस। अभी हमें इसमें तड़का लगाना है गाइस। तो यहाँ पर मैं तड़का पैन ले ली हूँ, देखिए यहाँ पर डाल रही हूँ मैं सरसों का ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तभी मैं डाल दूँगी जीरे, मेथी, सरसों, सबको मैं डालती हूँ। देखिए यहाँ पर सूखी मिर्ची ली हूँ, थोड़ा सा भून जाए तभी मैं डाल दूँगी बहुत सारा करी पत्ते। देखिए इस तरह से डाल दी हूँ मैं, और उसके बाद तड़का लगा लेते हैं। ये देखिए तड़का लगा ली हूँ मैं लेथा में, कितनी अच्छी लग रही है देखिए गाइस। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस सच में कितनी अच्छी लग रही है, जितनी अच्छी लग रही है ना उससे भी कई ज़्यादा बहुत ही टेस्ट लगता है गाइस। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।